जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं स्मॉल हीट पार्क में बरतानिया में, और यहाँ पर ईद कैसे गुजरती है आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहें। ये देख सकते हैं जी, स्मॉल हीट पार्क बर्मिंघम में आवाम का रश। आज ईद का पहला दिन है और एक मेले का समा है। फैमिलीज़ आई हुई हैं, मुस्लिम फैमिलीज़, यहाँ पर बच्चों को ले कर। बहुत बड़ा यहाँ पर जो है वो प्ले एरिया बनाया गया है आर्जी तौर पर, और हर तरफ बच्चे नए कपड़े पहन के, बच्चे बड़े छोटे बूढ़े मर्द ख़वातीन सब लोग अपनी ईद की तैयारियों में करके यहाँ पर नए कपड़े पहन के यहाँ पहुँचे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा रश है। रश देख सकते हैं आप, आवाम तकरीबन सारा पार्क पैक है, स्मॉल ही पार्क। तो इस तरफ भी देखें, आइसक्रीम्स की जो है वैन मौजूद है, और खाने पीने के स्टॉल्स भी हैं, झूले हैं, और पूरी दुनिया की जो मुस्लिम कम्युनिटी है जो इस शहर में बसती है, वो चाहे अफ्रीका से हो, एशिया से हो, अरब से हो, किसी भी कंट्री से जो यहाँ पर रहते हैं, वो अपनी ईद सेलिब्रेशन करने के लिए आए हुए हैं। और बड़ा अच्छा मौसम भी बहुत अच्छा है आज, इस तरफ अंदर जाके भी आपको दिखाएंगे। ये खूबसूरत बच्ची अफ्रीका से लग रही है। ये छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, प्रांग में सैर कर रहे हैं। ये पार्टियाँ चल रही हैं जी, लोग अपने घरों से बना के लाए हुए हैं चीज़ें। पाकिस्तान वाला सारा माहौल नज़र आ रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि ये आप गुलशन इकबाल पार्क लाहौर में घूम रहे हैं या बर्मिंघम में स्मॉल हीट पार्क में घूम रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा रश आप देख सकते हैं। ये देखें, ये साइड पे एंट्रेंस है। आइसक्रीम की ये गाड़ी आप देख सकते हैं, और वहाँ ले रही है गाड़ी, आइसक्रीम ले रही है। रश आप देख सकते हैं, इतना ज़्यादा रश है। लंबी लाइन में बच्चे आइसक्रीम ले रहे हैं, और इस तरह की जो हैं दर्जनों गाड़ियाँ इस पार्क में मौजूद हैं, और हर गाड़ी पे इसी तरह का रश आप देख सकते हैं। इस तरह भी मौजूद है गाड़ी, वो सामने भी गाड़ी मौजूद है, और अंदर झूले वाला एरिया, झूलों वाला। ये आप रश देख सकते हैं आवाम का, और काफ़ी गहमा गहमी है, फैमिलीज आई हुई हैं। ये अफ्रीका से फैमिली है, बच्चे फुटबॉल के साथ, बैलून्स के साथ खेल रहे हैं। अंदर जो प्ले एरिया है उसमें भी आपको लेके चलते हैं, वहाँ पर कौन कौन सी गेम्स हैं और कौन कौन से झूले हैं। जी नाज़रीन, ये रश देख सकते हैं। ये टोकन जो है वो 4 पाउंड का है, तकरीबन कोई पाकिस्तानी 900 रुपये का, और ये टोकन की लाइन देख सकते हैं आप। सिक्योरिटी के पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं, और ये झूले हैं इस तरफ। ये देखते हैं डीजे जंप है जी, ये भी एक झूला है। स्टॉल्स लगे हुए हैं अंदर। स्टफ्ड टॉयज हैं, ये देख सकते हैं। इस तरफ ये झूला लगा हुआ है, ये भी टॉयज की हुक अडक, ये बच्चों की। ये जो है पिर्च पे वाली झूला जो आप देखा होगा पाकिस्तान में भी,
यहाँ पर भी मौजूद है। ये छोटे बच्चों के झूले हैं। कार वाला झूला आप देख सकते हैं। ये भी झूले आप देख सकते हैं बैठे हुए। ये काफ़ी ख़तरनाक झूला है, कमज़ोर दिल अफराद यहाँ पर नहीं बैठते। रश आप देख सकते हैं, इतना ज़्यादा रश है कि यहाँ पर गुज़रना भी मुश्किल है बाज जगहों पर। ये एरोप्लेन वाला, ये खाने के स्टॉल्स भी हैं इस साइड पे, आपको दिखाते हैं। ये बर्गर्स हैं, शॉर्मे हैं, चिप्स हैं, जूसीज हैं। ये जंपिंग एरिया भी आगे आ गया। एक राइड का नाज़रीन आपको बताते चलें, एक राइड का जो यहाँ पर टिकट की प्राइस है वो 4 pounds है। 4 pounds में आप कोई एक झूला ले सकते हैं। ये आइसक्रीम वगैरह, जूसेस वगैरह, स्लश। ये क्रेजी कॉटेज, ये एक एडवेंचर है बच्चों के लिए, ये देख सकते हैं। वो सामने झूला देखे जी, बड़ा क्रेजी सा है, डीजे जंप। इस साइड भी स्टॉल लगे हुए हैं। फैमिलीज का रश देख सकते हैं, अरब कंट्री से, अफ्रीका से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से। ये आप प्राइस है जी इसके ऊपर। ये गेम बच्चे खेल रहे हैं। ये ज़्यादा यहाँ पर जो है बर्मिंघम में कम्युनिटी पाकिस्तानी जो है वो कश्मीरी हैं। ये अफ्रीका से कंट्री से भी लोग मौजूद हैं। ये टिकट का जो है कैंप है, यहाँ से आप टिकट लेके दूसरी साइड से आप एंटर हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपने यहाँ का जो है ईद वाला दिन हमारे साथ एंजॉय किया होगा, और लोगों को रश भी देखा है। हर बच्चे हैं, बड़े हैं, हर खुशी से एक्साइटेड हैं, और हर बंदा अपनी फैमिली के साथ निकला हुआ है। तो इसी तरह यूके की मुख्तलिफ जगहों से वीडियोस बना के आपको दिखाते रहेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।